जो है वो हमारा आता है वो है लीफ। ठीक है, लीफ क्या होता है, इसको पत्ती बोलते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर। आप देखोगे आपको लीव्स कई तरीके की दिखेंगी, आप जो है उनको कलेक्ट करके भी ला सकते हो, रख सकते हो। कुछ लीव्स छोटी, कुछ बड़ी, कुछ बहुत पतली, कुछ थोड़ी थिक। तो देर आर वेरिएशंस इन द लीव्स, इन द कलर, इन द यू कैन से देयर शेप, देयर साइज, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम। लीव्स अटैच्ड कैसे होती है स्टेम से, एंड द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल। ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट पार्ट। ये वो पार्ट है लीफ का जिससे वो अटैच होती है स्टेम में, उसको पिटियोल बोलते हैं। जैसे कि ये आपका ये है लीफ है और ये स्टेम है और ये इससे अटैच्ड है, तो ये वाला पार्ट क्या है, पिटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। फिगर 7.8 में आप इधर देख सकते हो कि ये जो ब्रॉड वाला पार्ट होता है, ये पूरा कलर्ड पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना। ये आ गई आपकी स्टेम जिससे अटैच्ड है, एंड दिस इज द पिटियोल। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको डेफिनेटली आता ही आता है इन द क्वेश्चन कि लीफ को थोड़ा सा जो है उसको जो है लीफ को आपको मेंशन करना है और उसके ये जो पार्ट्स हैं उनको भी दिखाना है। तो ये आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि आपने लीफ बनाई, उसका लेमिना शो कर दिया, स्टेम एंड पिटियोल। लेबलिंग जिसको बोलते हैं, सॉरी मुझे आ नहीं रहा था वर्ड, हाँ लेबल करना डायग्राम को, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमने पढ़ लिए लीफ के, पिटियोल हो गई जिससे कि वो अटैच्ड होती है स्टेम से, और लेमिना जो उसका ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है। ठीक है, ये दोनों आपको जो है एज इट इज़ याद करने हैं। अब आओ थोड़ा सा और लीफ को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर कार्डबोर्ड, होल्ड इट इन द प्लेस, होल्ड योर पेंसिल्स एंड ड्रॉप इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर। ठीक है, ये क्या है, नीचे लीफ रखी, ऊपर पेपर रखा और उसको ऐसे ऐसे आप ड्रॉप करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, आप कलर से भी कर सकते हो, आपको एक इंप्रेशन दिख जाएगा लीफ का। ठीक है, ये हमने बहुत एक्टिविटीज़ की थी अपने भी स्कूल टाइम पर, बहुत प्यारी सी लीफ का जो है स्ट्रक्चर आ जाता था पेज के ऊपर। तो वो एक जैसे आपने जिस शेप में भी लीफ रखी होगी ना, और जैसे कि ये मेरे पास सपोज करो ये लीफ है, मैंने यहाँ लीफ रखी और मैंने ये पेज रखा और ये मैंने पेंसिल से या कलर से उसको ऐसे करना स्टार्ट करा, तो यहाँ पे पूरा लीफ का इम्प्रेशन आ जाएगा। यानी कि लीफ का शेप और उसका जो है कलर तो नहीं, लेकिन उसका शेप और उसका एक इम्प्रेशन सा, जिसकी वेन्स वगैरह होंगी वो सब इस तरीके से आ जाएंगे। सो दीज लाइन्स आर ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। जो लाइन्स आपको दिखेंगी, ठीक है, ये एक एक्टिविटी आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और आपको समझ में भी आएगा कुछ नया कि अच्छा वेन्स ऐसी होती हैं। ठीक है, तो इनको वेन्स बोलते हैं बेसिकली। अगर मैं एक लीफ बनाती हूँ, ठीक है, ये एक लीफ है तो ये इसकी वेन्स ऐसे जा रही होती हैं। ठीक है, इनको वेन्स बोलते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिड रिब। और ये जो मैंने अभी बनाई थी बीच में उसको बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस हैं, ये सब आपको मेमोराइज करनी है, ये 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेटली आती हैं या फिर डिफाइन द टर्म्स में आती हैं। द डिज़ाइन मेड बाई वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। और ये जो डिज़ाइन बन के आया था, ठीक है, मेड बाई वेन्स इन अ लीफ, जो वेन्स ये डिज़ाइन पूरा बना देती हैं उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। If this design is net like on both sides of midrib, the venation is reticulate. ठीक है, तो अगर if ये design is net like on both sides, अगर ये midrib के both sides पे आपको दिखता है तो उस venation को बोलते हैं reticulate। Figure 7.10A में दिखेगा आपको, अभी मैं दिखाती हूँ। एंड इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, जैसे ग्रास आपकी ऐसे ऐसे ग्रास ग्रो करती है ना, तो उसकी लीव्स अगर आप देखोगे तो उसमें वेन्स ऐसे 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 नहीं आएंगी, उसमें पैरेलल होती हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ऑब्जर्व द वेनेशन एज इन मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। अच्छा, तो आपको तोड़ तोड़ के नहीं लानी है लीव्स, आपको जो है ऐसे ही करके बस उसको ऑब्जर्व करना है। आइए देखते हैं। सो ये आपने देखा इस डायग्राम में, दिस इज रेटिकुलेट विन एंड दिस इज द पैरेलल विनेशन। तो ये आपको दिख गया ये किस तरीके की शेप में है और ये किस तरीके की शेप में। चलिए अब जल्दी से जो है अब हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ अ लीफ। लीफ का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी है आपको, बस ये लीफ के ऊपर पॉली बैग लगा के देखना है कि क्या हो रहा है उसमें। आप देखोगे आपको टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखेंगी दैट आर कमिंग थ्रू द लीफ और ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसमें क्या हो, इससे क्या मतलब पता चलता है,
The water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration. Transpiration एक process होता है जिसके through से जो water होता है leaves का वो बाहर आ जाता है in the form of vapor. तो क्या होता है, plants जो है ना बहुत सारा water release करते हैं into the air through this process. So एक name one word or give one word for the following, ऐसे भी आ सकता है. The plants release a lot of water into the air through this process. Name the process. The process is the transpiration. So it is a process from which through which the water comes out of leaves in the form of vapor. अच्छा, अब यहाँ पे यही है कि इन्होंने क्यों कवर किया था और क्या हुआ था, तो ये बस थोड़ा सा ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है. तो इसमें बस आपको यही पढ़ना है कि टाइनी ड्रॉपलेट्स आ गई थी और मेन इसमें यहाँ पे आपको ट्रांसपिरेशन ही समझाया गया. नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक लीफ है, स्पिरिट है, बीकर है, ये सारे दिखाया हुआ है, उसमें लीफ डाल के आपको जो उसको काफ़ी गर्म कर देना है. उसके बाद क्या होगा, आपको हीट करना है बीकर को और फिर उसका कलर जो है चला जाएगा. और उसके बाद क्या होगा, आपको उसमें आयोडीन डाल के टेस्ट करना है. इसमें टेस्ट ऑफ स्टार्च जो है आपको आ जाएगा, जो पहले भी हमने चैप्टर 2 करा था तो उसमें भी हमने क्रॉप पोटैटो में देखा दिखाया था मैंने आपको कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसे हम टेस्ट करते हैं, कैसे पता चल जाता है. सो पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम, कहाँ से आता है पोटैटोज के अंदर ये स्टार्च, फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट. सो लीव्स क्या करती हैं, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो लीव्स प्रिपेयर करती हैं अपना फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब सनलाइट होती है ना तो उस टाइम पे लीव्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं. एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. सो वॉट इज फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, उन्हें ये तीनों चीज़ें चाहिए, उन्हें पानी भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, तभी जो है ये प्रोसेस हो पाता है. एंड दे मेक देयर ओन फूड और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. यही जो है एक रीज़न है जो हमसे कई बार हमसे हमारे एडल्ट्स बोलते हैं, हमारे जो है बड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि पौधे के नीचे बैठना चाहिए, हवा लेनी चाहिए, उसकी छांव लेनी चाहिए. क्यों? बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन is released in this process. So the food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant. अब जो ये खाना बनाती हैं उसको कहाँ पे स्टोर करके रखती हैं, different parts of plant में. So we have seen that the stem supplies leaf with water. हमने ये देख लिया कि stem जो है supply क्या करती है, water करती है, किसको, leaf को और other parts of the plant को. The leaf uses the water. जब ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि ये आपका जो है मैंने बना के दिखाया था, ये लीफ है और ये स्टेम है. अब ये पानी जब इसमें से जाएगा तो ये लीफ को देगा, सारी ब्रांचेस को देगा, सबको देगा. जैसे ही लीफ को पानी मिल जाएगा तो लीफ इसकी प्रोसेस में और सनलाइट के प्रोसेस में और कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रेजेंस में, ये तीनों चीज़ों की मदद से ये क्या करेगी, एक्टिवेट हो जाएगी और फिर खाना बनाना स्टार्ट करेगी और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो लीफ के पास पानी पहुंच गया है और लीफ जो है अब क्या कर रही है, यूजेस द वाटर टू मेक फूड. द लीव्स आल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो लीव्स का कितना काम है ना, लीफ खाना भी बना रही है, लीफ जो है वाटर को भी यूज़ कर रही है और लीफ वाटर को लूज भी कर रही है थ्रू ट्रांसपिरेशन में. नाउ हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये स्टेम में क्या होता है, स्टेम के अंदर से ही नीचे से जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स ही हैं जो ये सारा काम कर रही हैं. रूट्स ही जो है स्टेम तक पहुंचाती है पानी को और फिर वो जो है पानी इधर उधर हर जगह डिलीवर हो पाता है. सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.